हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे। और आज एक्सपायरी थी तो निफ्टी में क्लोजिंग मिला 18,320 का। तो 15 मिनट्स चार्ट में वॉलेटाइल रहा, और इंट्राडे में काफ़ी वॉलेटाइल रहा आज मॉर्निंग सेशन से भी। तो मॉर्निंग में एक गिरावट देखने को मिला है, उसके बाद रिकवरी हो गया। लास्ट फिर 40 मिनट्स में एक रिकवरी मिला, देखने को मिला, एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। और क्लोजिंग भी 18,320 के आसपास है। तो ज़्यादा कुछ ये ट्रेंडिंग नहीं रहा आज अपना एक्सपायरी, तो एक बुलिश कैंडल बना हुआ है। इसमें हम लोग कल देखते हैं किसमें ओपन होता है, ग्लोबल क्यूज देखने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। अब बैंक निफ्टी सिमिलर केस, ज़्यादा ट्रेंडिंग ना रहा आज, तो एक रेंज बाउंड मार्केट थी आज। तो जब तक 44,200 क्रॉस नहीं करेगा, हम लोग एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, छोटा मोटा स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहेंगे इसमें। और कल का अपडेट रिव्यू करेंगे। कल हम लोग दो स्टॉक के बारे में डिस्कस किए थे। कल हम लोग दिए थे कि ये अपना क्या कहते हैं उसको, एक शिंडर इलेक्ट्रिक में क्या हुआ कि आज कल ब्रेकआउट था। कल जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे, एक ब्रेकआउट था एक, तो आज भी 10% अप है। जो भी शॉर्ट टर्म प्लेयर आप जो भी बुक कर सकते हो प्रॉफिट, और जो स्विंग ट्रेडर्स कंटिन्यू रह सकते हो, और जैसे ही पुल बैक होगा उसमें और ऐड कर सकते हो, पिरामिडिंग कर सकते हो पोजीशन को। तो एक अच्छा कॉल था हमारा, तो और एक था नारायण हृदय आलया, वो भी अच्छा चला आज बेरिश मार्केट में भी। वो भी अभी एक 2% का एक रिटर्न दे दिया आज ने। तो ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसमें बने रहने का सलाह है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ये कैंडिडेट हो सकता है। ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, अच्छा अच्छा स्टॉक लाते रहेंगे, तो सपोर्ट कीजिएगा। और आज एक इसका बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, कल का किस में ट्रेड कर सकता है। तो स्टार सीमेंट आजकल सुर्खियों में, सब सीमेंट सेक्टर बुलिश है, तो इसी के चलते इसमें स्टार सीमेंट का एक हम लोग का एक इसमें आया रडार में, तो एक रोज़ का नया हाई बना रहा है। आज भी एक इसका क्लोजिंग 133 का है। अच्छा एक वॉल्यूम के साथ, देखिए वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेकआउट मिला न्यू हाई, और इसमें एक रैली कंटिन्यू हो सकता है। काफ़ी बड़ा एक वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक किया है ना, तो एक रेक्टेंगुलर पैटर्न, तो उसमें हम लोग कल देखते हैं जैसा ओपन होता है। हम लोग 15-30 मिनट के बाद एक हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, बस देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, और रिस्क असेसमेंट कीजिएगा आपका। तो जैसे ही आप ट्रेड लेते हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के तरह, ये बड़ा कैंडल है तो इसका लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्टॉप लॉस, और उसके बीच में कहीं रख सकते हो आप, तो आपके ऊपर है, आपका रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए भी फाइनेंशियली एक अच्छा कंपनी है, तो जैसे ही इसमें एंटायर सेक्टर बुलिश है, तो इसमें भी रैली देखने को मिलेगा आपको। देखते रहिए, थैंक यू, मिलते हैं कल।